सुमित स्टूडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ठीक होंगे। आपके जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों के बाद इसलिए बन रही है क्योंकि मेरी एक यात्रा चल रही थी जो कि मैं आगरा, मथुरा, वृंदावन और यूपी के कई जगह घूम करके और वापस आया हूँ, और आपने वीडियो में देखा भी होगा, आपको तो पता ही है। तो अभी अब हम पहुँच चुके हैं छत्तीसगढ़ के गाँव में, और आज एक यहाँ पर जो नई नई चीज़ें होती है गांव में वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो बोरिंग करने वाला जो ट्रक होता है, जो कि ये जो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है ना, तो इसमें पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पत्थर को काटने के लिए और नीचे से पानी का ट्यूबवेल लगाने के लिए ना, जो है आसान नहीं होता। ट्रक एक मशीन होती है, कंप्रेसर मशीन, उससे जो है बोरिंग करके ना लगभग 300-400 फीट तक जो है खुदाई होती है, और तब जा करके सेटअप बना करके और पानी निकल के आता है। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं। तो हम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर जो है नीचे से 300-400 फीट की नीचे ये जो ट्रक है, जो भी बोरिंग मशीन जो भी होती है, और ये जो है ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि नीचे पत्थरों को काट के, यहाँ की जो मिट्टी है, जो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी होती है ना, वो पतली मिट्टी होती है, बहुत सख्त होता है, और कहीं कहीं नीचे बहुत चट्टान और पत्थर निकलते हैं। तो जैसे और जगह जहाँ रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पर क्या होता है कि हाथों से ही बोरिंग कर देती है, बट ऐसी जो मिट्टी सख्त होती है ऐसी जगह के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए जो मशीन से ही काम होता है। और ये देखिए मशीन से किस तरीके से यहाँ पर अभी पानी नीचे से निकल चुका है, लेकिन और भी थोड़ा सा काम रह गया है ऊँचा। दूसरे में ये जो पाइप वगैरह लगा करके और नीचे तक उनको किया जाता है। तो ये जो मशीन्स होती हैं ट्रक से, ये ज़्यादातर आते हैं जैसे बाहर दूसरे स्टेट से आते हैं, तमिलनाडु वगैरह से, और ट्रक में सारा सामान इनके पास होता है, ये पाइप्स वगैरह सारी चीज़ें, और ये बोरिंग करने के बाद और उसको पानी को चालू कर करके काम कर गया है। और इसे लगभग बोरिंग करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय इसमें लगता है। तो आइए और देखते हैं, आपको दिखाती हूँ। अब ये जो ऑटोमेटिक जो मशीन है ये अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन लोगों का भी इसमें इन्वॉल्व बहुत होता है। बिजली जो है वजह से ही ये मशीनें नीचे काम कर पाती हैं। ऑटोमेटिक मशीन है लेकिन लोगों का जो है बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत का काम होता है, कई घंटे और काम करने के बाद जो है पानी इसमें से निकल चुका है, और थोड़ा सा टाइम और रह गया पानी फिर नीचे, और जिससे जैसे नीचे जाता जाएगा पानी और भी साफ़ होता जाएगा। तो ये गांव के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर होता है कि ज़मीन के नीचे से पानी निकलना, क्योंकि जैसे पथरीली क्षेत्रों में ना पानी की बहुत समस्या है। हालांकि यहाँ पे नदियाँ भी होती हैं और नहर भी होती हैं, लेकिन जहाँ पर पानी पहुँचाना होता है वहाँ नदी से पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो बोरिंग सिस्टम है और बोर है, ट्यूबवेल्स हैं, ये खेतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।